नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश के मैदान को जीतने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्लान बनाया है। राहुल गांधी की टीम भी एमपी में डेरा डाल चुकी है और कांग्रेस के जासूस भी अपने काम में लग गए हैं। राहुल टिकट के लिए इंटरनल सर्वे भी करवा रहे हैं, लेकिन टिकट के लिए कांग्रेस विधायकों ने दिल्ली तक की दौड़ लगाना शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ सर्वे के आधार पर ही कांग्रेस टिकट देगी या दिल्ली से भी कुछ फैसले लिए जाएंगे। खैर, राहुल का प्लान एमपी चुनाव में कितना असरदार होगा ये भी बड़ा सवाल है। आज चर्चा कांग्रेस की वर्तमान स्थिति और राहुल के प्लान को लेकर करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। एमपी में राहुल गांधी के जासूस, विधायकों की रिपोर्ट करेंगे तैयार, जनता से भी लेंगे फीडबैक। क्या राहुल की टीम लगाएगी नैया पार? मिशन 2023 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी टीम को मध्य प्रदेश की धरती पर उतार दिया है। ये टीम न सिर्फ विधानसभा चुनाव से जुड़ी रणनीति पर एमपी कांग्रेस के लिए काम करेगी, बल्कि इस टीम में मौजूद राहुल गांधी के जासूस कांग्रेस विधायकों की रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। लेकिन राहुल की टीम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति और कांग्रेस नेताओं के बीच कलह को कम कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिन विधायकों को इस बात की शंका है कि उनकी रिपोर्ट सर्वे में खराब आ सकती है, उन्होंने पहले से ही दिल्ली में आलाकमान के दरबार में मत्था टेकना शुरू कर दिया है। यानी राहुल के जासूस एमपी में है और पार्टी के विधायक दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इस बात से उत्साहित दिख रही है कि राहुल की टीम के आने से चुनाव में एमपी कांग्रेस को फायदा मिलेगा। है बहुत महत्वपूर्ण प्रविधि है, जिसके माध्यम से हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास जा जाकर जो है उनके और स्थानीय जनता की राय लेकर प्रत्याशियों का चयन करेंगे। हमारे अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी इस बारे में सब कुछ स्पष्ट कर चुके हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि टिकट जो है वो जनता की और कार्यकर्ताओं की इच्छा से मिलेंगे, और कार्यकर्ताओं की इच्छा जानने के लिए हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करवाए हैं। जाहिर है कि दिल्ली में कुछ दिनों पहले हुई एमपी कांग्रेस की बैठक के बाद राहुल गांधी 150 सीटें जीतने का दावा करते दिखे थे, और अब इस गोल को हासिल करने उन्होंने अपनी टीम को एमपी के मैदान में उतार दिया है। लेकिन उनकी टीम और जासूस को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। क्या कुछ कहना है बीजेपी का, वो भी सुन लीजिए। कमलनाथ जी रोज दावे कर रहे हैं, आज भी उन्होंने बात करें तो सुजालपुर के कोदिया मंडी में दावा करा कि मैं सर्वे कराऊंगा, सर्वे के आधार पर टिकट बांटूंगा, मुझे कोई दबा नहीं सकता, पटा नहीं सकता। देखिए, पहले केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें चेहरा मानने से इनकार कर दिया है, यह तय कर दिया है कि मध्य प्रदेश में चुनाव के पूर्व कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं। खुद राहुल गांधी का बयान आ चुका है कमलनाथ जी की मौजूदगी में, पवन खेड़ा का बयान आ चुका है, जेपी अग्रवाल का बयान आ चुका है, और अब कांग्रेस ने यह तय किया कि कमलनाथ जी के सर्वे के आधार पर टिकट नहीं बांटेंगे। राहुल गांधी की टीम कर्नाटक चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में डेरा डाल चुकी है, वो 230 विधानसभा को सर्वे कर रहे हैं, उसी सर्वे के आधार पर टिकट होंगे। यानी पहले कमलनाथ जी चेहरा नहीं, अब उनका सर्वे भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने तय कर लिया कमलनाथ जी को किनारा करने का, और ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश से उनकी जल्द विदाई होगी और किसी युवा नेतृत्व को मध्य प्रदेश की बागडोर सौंपी जा सकती है। एमपी कांग्रेस में किन विधायकों की रिपोर्ट कैसी है, ये तो उनकी टीम जनता से फीडबैक लेकर जल्द राहुल गांधी को बता ही देगी। लेकिन सवाल तो ये है कि कांग्रेस के पुराने इतिहास की तरफ टिकट आला कमान से मिलेगा या सर्वे से। सवाल तो ये भी है कि विधायकों का दिल्ली बार बार जाना क्या कम होगा? क्या कांग्रेस नेताओं के बीच की कलह राहुल की टीम कम कर पाएगी? खैर, चुनाव से पहले राहुल ने कांग्रेस की स्थिति को सुधारने की एक कोशिश तो की है, लेकिन अब इसमें वो और उनकी टीम कितनी कामयाब रहती है ये चुनाव के नतीजे बता ही देंगे। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका। और अमूमन हर चुनाव के पहले हम देखते हैं कि सर्वे, पिछले अगर 4-5-6 चुनाव से देखें तो हर एक राजनीतिक दल अपने हिसाब से सर्वे कराता है, और अंत में जाके फिर एक बात पर मामला ख़त्म हो जाता है
कि ये जीतने लायक उम्मीदवार था, उसके लिए सारे क्राइटेरिया तोड़ दिए जाते हैं, सारी बाउंडेशन खत्म हो जाती है, सारे सर्वे ताक पे रख दिए जाते हैं। ऐसा बीजेपी में भी होता है, कांग्रेस में हमने देखा ज़्यादा। तो आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं कि वो सर्वे के आधार से वो संतुष्ट हो जाएंगे, वो दिल्ली आला कमान की दौड़ नहीं लगाएंगे, या आला कमान भी केवल सर्वे के आधार पर टिकट देगा, अपनी पसंद के उम्मीदवारों को कह देगा अगर वो सर्वे में उनका नाम नहीं तो आप घर बैठ जाइए? देखिए, सर्वे करने वाली एजेंसी जो है वो हाईकमान की है, जैसा भी आप बतला भी रहे थे कि राहुल गांधी की कोई टीम जो है यहाँ सक्रिय है और वो फीडबैक ले रही है। कमलनाथ जी लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि वो सर्वे में जो लोग आएंगे जिनके पक्ष में रिपोर्ट होगी उनको टिकट मिलेगी। अभी सुजापुर में एक उन्होंने एक बयान दिया है कि स्थानीय लोगों को टिकट मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के पास में सीमित विकल्प है। अब मुझे आप ये बताइए, कल्पना कीजिए, ये मतलब ये एक हाइपोथेटिकल प्रश्न है ये, यदि अजय सिंह राहुल के खिलाफ सर्वे रिपोर्ट आती है तो उनके पास वहां पे दूसरा प्रत्याशी कौन है? आपकी घटना में है, मतलब कांग्रेस की स्थिति ये है कि उसके पास में बहुत सीमित विकल्प है और उनके रिपोर्ट आएगी सर्वे की या उनके खिलाफ रिपोर्ट आएगी, आपको मजबूरी में उनको टिकट देना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जो सुपुत्र है जयवर्धन से, एक परसेंट आप ये बताइए मुझे, अगर उनके पक्ष में रिपोर्ट नहीं आती है तो क्या उनकी टिकट कट जाएगी? सज्जन सिंह वर्मा की टिकट कट जाएगी? गोविंद सिंह की टिकट कट जाएगी? किसकी ये टिकट काट? उनके पास बहुत सीमित विकल्प है। सर्वे रिपोर्ट क्या आती है ये बात कमलनाथ को पता होगी या राहुल गांधी को पता होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो छत्रप है उनकी टिकट आप नहीं काट पाएंगे, चाहे सर्वे रिपोर्ट उनके पक्ष में हो या खिलाफ हो। बहुत जगह आपको जातीय समीकरण का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको सतना के संदर्भ में बताऊंगी, जो विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, उनको लेकर बड़ी नाराजगी है लोगों में, लेकिन अब सर्वे रिपोर्ट में उनके पास में क्या आता है? क्या वो सिद्धार्थ कुशवाहा की टिकट काट पाएंगे? अभी हाल में ही महापौर का चुनाव हारे हैं। तो कांग्रेस चाहे जो कुछ भी दावे करे, सबसे बड़ी समस्या उसके भीतर ये है कि एक जो अंतर्कलह है उसको वो नहीं खत्म कर पा रही है, और दूसरा ये है कि उसके पास में बहुत सीमित विकल्प है। मतलब अभी आप कि उनका कोई चेहरा नहीं है, प्रवक्ता ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है, और ये बात सही है। तो जहां पे आपके पास में कोई चेहरा नहीं है, कोई ऐसा सतर्क नेतृत्व नहीं है, वहां आपका सर्वे कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। हालांकि ये पार्टियां ये सब चाहती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है कांग्रेस की वो ये है कि उनके पास में बहुत सीमित विकल्प है और वो छत्रपों के टिकट किसी भी कीमत पे नहीं काट पाएंगे, सर्वे रिपोर्ट उनके पक्ष में या खिलाफ में हो। और जो दिल्ली दौड़ की बात है, तो टिकट के लिए हमेशा जो है कांग्रेस में ये होता आया है कि जो टिकटें तय होती हैं वो दिल्ली से होती हैं, और बीजेपी में भी यही स्थिति है। ऐसा नहीं कि सारी टिकटें मध्य प्रदेश में ही तय हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो दिल्ली में जाके ही तय होंगी। ब्रजेश जी, एक ऐसी पार्टी जिसमें हम देखते हैं सज्जन सिंह वर्मा खुद उम्मीदवार तय कर देते हैं कि फलाना टिकट पर कौन लड़ेगा, विद्रोह हो जाता है, बगावत हो जाती है। दीपक जोशी आते हैं वो खुद ही कह देते हैं कि भैया मैं तो बुधनी चुनाव लड़ लूँगा। कई सारे तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्र में खुद को संभावित उम्मीदवार बता रहे हैं, किसी ने प्रचार शुरू कर दिया है, किसी उसी उम्मीद में आया कि उसको टिकट मिल जाएगा। ऐसे में ये सर्वे क्या इसी आधार पर कांग्रेस टिकट बांटने में सक्षम हो पाएगी? और दूसरा, कर्नाटक की अगर हम बात करें तो वहाँ लिंगायत और वक्कालिंगा दो बड़ी ऐसी कम्युनिटी थी जो बिल्कुल डोमिनेट वोटिंग करती हैं कि वक्कालिंगा किसके जाएंगे, लिंगायत किसके साथ। वो दोनों ओबीसी है, लेकिन मध्य प्रदेश में 52% ओबीसी है, लेकिन वो हम देखते हैं अगर लोधी उम्मीदवार हैं या कोई और है तो वहाँ वो एक साथ वोटिंग करते हैं, बाकी जगह वो दलों में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में वो फार्मूला और एमपी का फार्मूला, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश से पहले कर्नाटक में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, दूसरे राज्यों में भी चुनाव हुए, तो कांग्रेस ने क्या वहाँ पर सर्वे के आधार पर टिकट दिए थे? या मध्य प्रदेश में इससे पहले सर्वे के आधार पर टिकट दिए थे? निश्चित तौर पर क्षेत्रीय छत्रपों की दादागिरी चलती है वहाँ पे, वो नाम तय कर देते हैं, उनको देते हैं, उनके अलावा किसी क्षेत्र में कोई दूसरा नहीं है। इससे पहले तो हमने कांग्रेस में देखा है कि जो क्षेत्रीय छत्रप होते हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको जिता कर लाना, आपने इतने टिकट मांगे, आपको इतने टिकट दे दिए, इतने आपको जिताकर लाना है। बिल्कुल, जिम्मेदारी उन पर रहती थी, उम्मीदवारों पर नहीं, उनके कहने पर टिकट दे दिए जाते। तो आज आपकी क्या परिस्थिति ऐसी बदल गई है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कहेंगे उसको टिकट नहीं मिलेगा, कमलनाथ कहेंगे उसको टिकट नहीं मिलेगा, राहुल गांधी की टीम आ गई है, इंटरनल सर्वे करा रही है, उस सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे क्या? और क्या कमलनाथ अपने हिसाब से सर्वे नहीं कराएंगे, वो भी करा रहे हैं। राहुल गांधी तो अपनी पीड़ा पिछले लोकसभा चुनाव के बाद ही जाहिर कर चुके थे कि उन्होंने किस किस के टिकट का विरोध किया था,
उसमें नकुलनाथ का भी नाम, नकुलनाथ का भी नाम था, राजस्थान में भी नाम, अशोक गहलोत के बेटे का नाम था, सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था के बेटे का नाम था। तो आप देखिए कि तब उनकी चल पाई थी क्या, या राहुल गांधी अब चलने लगेगी भारत जोड़ो यात्रा से, राहुल गांधी इतने पावरफुल हो गए हैं कि अब उनकी मध्य प्रदेश में चलने लगेगी, या खड़गे की चलेगी, किसकी चलेगी? मुझे नहीं लगता मनोज जी, सर्वे अलग बात है, जिसका टिकट काटना होता है उसको कह दिया जाता है कि सर्वे में आपका नाम नहीं है, आप सर्वे में जीतने लायक नहीं हो। टिकट काटने के लिए तो अरुण यादव का नाम भी आ गया सर्वे में, अरुण यादव बाकायदा तैयारियां कर रहे थे, जीत सकते हैं, हाँ चुनाव प्रचार अभियान में चल गए थे, दिग्विजय सिंह ने उन्हें ट्विटर के माध्यम से शाबाशी भी कह दी थी कि लगे रहो, इसके बाद एंड टाइम पे किसको टिकट दिया, जो पिछले लगातार दो दशक पहले चुनाव लड़ा था उसको टिकट दे दिया आपने, क्या सर्वे में उनका नाम आ गया था? तो सर्वे सिर्फ टिकट काटने के लिए, टिकट देने के लिए एक माध्यम होते हैं, एक बहाना होते हैं कि राहुल गांधी के सर्वे में आपका नाम नहीं है। तो कौन नेता कहेगा कि साहब राहुल गांधी के सर्वे में नाम नहीं है, ठीक है मेरा कट गया साहब, भाई कमान ने काट दिया। तो मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता कोई सर्वे, इंटरनल सर्वे करा लें या राहुल गांधी कोई भी सर्वे करा लें, मध्य प्रदेश में चलेगी कमलनाथ की, दिग्विजय सिंह की। यदि उनको अपने समर्थक का ही किसी का टिकट काटना होगा तो वो कह सकते हैं कि राहुल गांधी के सर्वे में आपका नाम नहीं आया लेकिन हम आपको संतुष्ट कर दें। तो ये जो नाराजगी होगी उसको साधने का काम करता है सर्वे, कि साहब केंद्र के सर्वे में आपका नाम नहीं आया, राहुल गांधी के सर्वे में नहीं। राहुल गांधी से कितने लोग मिल सकते हैं मध्य प्रदेश से, आप बताइए? वहां तो जो सीएम बन सकते थे, इतने बड़े दिग्गज नेता नहीं मिल पाते हैं, छत्रप नहीं मिल पाते हैं, राज्य के सबसे बड़े नेता नहीं मिल पाते हैं, असम का उदाहरण है। तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश के हर विधायक और सांसद पूर्व विधायक राहुल गांधी से मिल लेगा? निश्चित तौर पर राहुल गांधी से कौन खड़गे से मिलकर संतुष्ट हो जाए। अभी देखिए आप, खड़गे से मिलने के लिए अरुण यादव गए और भी मध्य प्रदेश के नेता गए, उन्होंने कहा यार दिल्ली चक्कर मत लगाइए, आप जाइए वहाँ मेहनत कीजिए, क्षेत्र में काम कीजिए। तो क्या खड़गे की चल रही क्या? रबर स्टंप अध्यक्ष हैं वो। अरुण यादव को लग रहा है कि जिस तरह से अरुण यादव के साथ साथ जो मध्य प्रदेश के और भी जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, क्षेत्र के बड़े नेता हैं, उनको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की चलेगी, उनकी चल नहीं पाएगी, तो वो दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, इसीलिए लगा रहे हैं कि सर्वे और अन्य आधारों पर उनके टिकट कट दिए जाएंगे और इस कारण वो दिल्ली से अपना यही कहे कि उनको कमलनाथ पे भरोसा नहीं कि वो कब किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। कमलनाथ जी को क्षेत्रीय छत्रपों पर भरोसा नहीं है, वो कभी कहते हैं कि हम स्थानीय लोगों के आधार पर टिकट देंगे, तो आप देखिए किस तरह से उम्मीदवार भी घोषित हो जाते हैं। दीपक जोशी का आप जिक्र कर लीजिए, एक तरफ हम सज्जन सिंह वर्मा को कहते हैं कि वो किसी का भी टिकट घोषित कर देते हैं। तो कांग्रेस में जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा काम चलता है, जिसकी दादागिरी चल गई उसके उम्मीदवारों को, उसके नेताओं को, उसके समर्थकों को टिकट मिल जाएगा, और जिसकी नहीं चल पाई, अब किसकी किस परिस्थितियों में चल जाती है, क्या आधार हो जाता है, वो तो देखने की बात होगी। और जिस तरह से कांग्रेस में चली आ रही परंपरा, मुझे लगता है वैसा ही होगा, जो कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी मिलकर तय कर देंगे मध्य प्रदेश में उसी को टिकट मिलेगा, नहीं तो फिर उनके सर्वे उनके दौरे का कोई मतलब ही नहीं। जो सीताराम केसरी के दौर में कहते थे खाता ना भाई, जो केसरी कहे वही सही, तो अभी इस दौर में भी कि खाता ना भाई, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कहें वही सही। तो शुक्ला जी एक और चीज़ है, जो दिग्विजय सिंह की बात हुई, 66 ऐसी सीटें कांग्रेस ने चिन्हित की है जो 3-4-5 चुनाव से हार रहे हैं। जैसा आपने शुरू में कहा था कि कांग्रेस पास विकल्प सीमित हैं, ऐसे में अगर इन सीटों पर दिग्विजय सिंह अपने इन पसंद के नाम बता दें, क्योंकि इन 66 सीटों का जिम्मा कमलनाथ ने दिया, वो बाकायदा घूम रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, दिग्विजय सिंह कोई नाम आगे बढ़ाते हैं और सर्वे में किसी और का नाम आ जाता है, या दिग्विजय सिंह अपने किसी पट्टे को दिलाना चाहते हैं या कमलनाथ अपने किसी पट्टे को दिलाना चाहेंगे, तब क्या स्थिति बनेगी? देखिए जैसा अभी ब्रजेश जी भी कह रहे थे कि बड़ा ये कॉस्मेटिक सर्वे है, कॉस्मेटिक सर्वे मतलब सिर्फ दिखावे वाले सर्वे हैं, और इनकी वास्तविकता तो केवल कमलनाथ जानते हैं, दिग्विजय सिंह जानते हैं या राहुल गांधी जानते हो। 2018 का जो इलेक्शन था उसमें भी राहुल गांधी की एक टीम काम कर रही थी, और टीम में उनके जो प्रमुख सदस्य थे ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह होते थे। तो जो अभी आप जो प्रश्न कर रहे हैं ये बात सही, जो 66 सीटें हैं उन सीटों पे कौन लड़ेगा ये तय भी जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को ही करना है। अभी दिग्विजय सिंह का एक दौरा जो हो रहा था, अभी लगभग वो भिन्न प्रदेश में भी आए थे, मध्य प्रदेश के कई स्थानों में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, दौरे भी हुए हैं, और जहाँ पे उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने चिन्हित कर लिया वो 66 सीटें हैं और इस बार जो है वहां पे काफी मजबूती से लड़ेंगे। प्रश्न ये उठता है कि वो किस मुद्दे को लेकर वहां पर जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस किस मुद्दे के साथ में जा रही है। कर्नाटक में आप जीत, ये नहीं कि आपको मध्य प्रदेश में भी आपको वही मॉरल मिल जाएगा जो कर्नाटक में था। कर्नाटक की स्थिति दूसरी है, मध्य प्रदेश की स्थिति दूसरी है। मध्य प्रदेश में जो शिवराज एक चेहरा है जिसकी जन स्वीकारोक्ति है, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि यार दिग्विजय सिंह की जन स्वीकारोक्ति है, अगर दिग्विजय सिंह की जन स्वीकारोक्ति होती
तो दिग्विजय सिंह को ये नहीं कहना पड़ता कि वो जहां जाते वहां वोट कट जाते। 2003 में अगर कोई अनुकूल परिस्थिति बीजेपी के लिए बनी थी तो उसका बहुत बड़ा जो श्रेय है वो दिग्विजय सिंह को जाता है। बिजली पानी सड़क की स्थिति को लेकर जो नाराजगी दिग्विजय सिंह के प्रति थी वो अभी कम नहीं हुई है। अभी भी जब कभी बिजली गोल होती और समय कहा भी जाता था बिपाशा को लेकर, हालांकि हीरोइन से जोड़ते थे लेकिन उसका आशय बिजली पानी सड़क होता था। यही स्थिति कमलनाथ की भी जन स्वीकारोक्ति थी कि पार्टी मानती होगी कि उनकी जन स्वीकारोक्ति है। जन स्वीकारोक्ति जो थी वो सिंधिया की थी। 2018 में जो एक थोड़ी कामयाबी मिली थी मध्यप्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का जो थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा था तो विकल्प के तौर पर जो है सिंधिया का चेहरा दिखता था। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। कमलनाथ शिवराज का विकल्प है या नहीं कांग्रेस भले मानती हो लेकिन मुझे लगता है कि जनता में इस तरह की कोई क्योंकि ये संकट कांग्रेस में अंदर भी है ना, जो आपने कहा कि अंदर भी किसको आगे करें, क्योंकि जिसको भी आगे बढ़ाएंगे सबसे पहली बात अगर किसी और को बनाते हैं, हमने देखा कांतिलाल भूरिया बनाए अध्यक्ष, अरुण यादव बनाए, कि पैसा कौन खर्चा करेगा, तो जो पैसा खर्चा करने में सक्षम था उसको अध्यक्ष बना दिया, फिर वो खुद ही मुख्यमंत्री बन गए, फिर वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी हो गए, नेता प्रतिपक्ष भी बन लिए। और ये फार्मूला तो हमने देखा है कि जिस तरह से उम्मीदवार चयन में भी आता है कि कौन पैसा खर्च कर सकेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। सबसे बड़ा संकट इनके सामने फाइनेंस का है और कमलनाथ जो है एक अच्छे फाइनेंसर हैं और इसके चलते उन्हीं की चलेगी। आप ये तय मानिए वही टिकट बांटेंगे, उन्हीं का सर्वे है, उन्हीं के लोग होंगे, उन्हीं के लोग चुनाव लड़ेंगे। जीत जाएंगे तो श्रेय कमलनाथ को मिलेगा, कहीं राहुल गांधी को कोई श्रेय नहीं मिलने वाला, प्रियंका को कोई श्रेय नहीं मिलने वाला है और सीएम की कुर्सी भी कमलनाथ को मिलेगी। तो ब्रजेश जी जो शुक्ला जी कह रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक मजबूरी भी होगी कमलनाथ की अपने ज़्यादा लोगों को टिकट, क्योंकि हम जो स्थितियाँ देख रहे हैं मध्यप्रदेश में बनी कि सिंधिया के समर्थकों ने अपने हिसाब से टिकट बटे, सिंधिया निकल गए सरकार चली गई, वही घमासान छत्तीसगढ़ में, वही घमासान राजस्थान में कि सचिन पायलट के पास थोड़े से नंबर कम थे, नहीं तो वो कहीं और लैंड हो चुका होता उनका प्लेन। तो शायद इन परिस्थितियों को देखते हुए कमलनाथ भी चाहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा उनके उम्मीदवार मैदान में रहें और वही चुनाव जीत कर आ जाएँ, ताकि जब ये गिनती करने की बात हो कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि अभी किसी ने नहीं कहा नहीं दिल्ली से कि कमलनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे ये तय नहीं है। जिस तरह से पहले भी गेम होते रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर हमने देखा है किस तरह से चाहे माधवराव सिंधिया का नाम आए, चाहे अन्य नेताओं के नाम आए और किस तरह से बनते थे। सुभान सिंह सोलंकी सबसे बड़ा उदाहरण, अर्जुन सिंह भी उनमें एक उदाहरण थे कि किस तरह से उनको बाहर कर दिया गया था। तो आप देखिए मनोज जी, कांग्रेस में तब हाईकमान बड़ा पावरफुल हुआ करता था लेकिन अब उतना पावरफुल बचा नहीं है हाईकमान। तो जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, आप देखिए अशोक गहलोत को, गहलोत ने किस तरह से हाईकमान को नीचा दिखाया, इसके बाद भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सचिन पायलट करीब होने के बावजूद भी आलाकमान के वो किस तरह से धक्के खा रहे हैं। तो वो परिस्थितियां नहीं है कि अब वो जो आलाकमान चाहेगा उसको बना देगा। मध्य प्रदेश में अब ऐसा कोई छत्रप है नहीं जो सिंधिया की तरह उनको सत्ता से बाहर कर सके। दिग्विजय सिंह एक मजबूरी है कमलनाथ की कि कमलनाथ ये तो पूरे ना, अभी वो सत्ता में नहीं, लेकिन अगर वो सत्ता में आ जाते हैं, मैं वही आ रहा हूँ कि कमलनाथ आज की तारीख में मध्य प्रदेश में अपनी दम पर अपने समर्थकों को टिकट देंगे तो वो सत्ता में आ ही नहीं सकते, क्योंकि वैसी परिस्थितियां नहीं है। बिना दिग्विजय सिंह की मदद के वो कुछ नहीं कर सकते, प्रदेश में जनाधार है, जनाधार है, ना ही वो इतनी संगठन में पकड़ है या इतनी नेताओं में कार्यकर्ताओं में पकड़ है। तो दिग्विजय सिंह तो निश्चित तौर पर उनकी बैसाखी है ही, बिना उनके सहारे के वो सत्ता तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो दिग्विजय सिंह जिसको कहेंगे उसको टिकट देना पड़ेगा। और मुझे लगता है जो उनको एक डर है, जो सिंधिया के बाद से जो कांग्रेस में एक डर बैठा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, वो अरुण यादव को लेकर डर बैठा है, वो जीतू पटवारी के लिए लेकर डर हो सकता है, वो अजय सिंह को लेकर डर हो सकता है। इसी वजह से इनकी उतनी चलने वाली नहीं है जितनी दिग्विजय सिंह की और कमलनाथ की जोड़ी चलेगी। तो आप देखिए कि आप आज की परिस्थितियों में कमलनाथ के बाद मध्य प्रदेश में अगला कौन, तो अगला कौन में आपको आप एक नाम आता है जयवर्धन सिंह का, को जो छत्रप बड़े बन सकते हैं अगली बार यदि सत्ता में आते हैं तो इसके बाद उनका चांस है, उनके पास समय भी पर्याप्त है। तो आप देखिए कि दिग्विजय सिंह में ऐसी गलती नहीं करेंगे या दिग्विजय सिंह में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये कमलनाथ वाकिफ जानते हैं कि उनका आगे की लाइन उनकी क्लियर है। कमलनाथ यदि सत्ता में आते हैं तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बाकी के नेताओं की महत्वाकांक्षा दिखती है यदि इस तरह से घटनाक्रम दोबारा हो। इसलिए आपको लगता है, मुझे भी लगता है कि कांग्रेस और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, अरुण यादव ने कहा कि इसको टिकट दे दिए मेरे क्षेत्र से, उनकी चलने वाली नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है बुरहानपुर का, आप देखिए किस तरह से निर्दलीय विधायक को तवज्जो दी गई है अरुण यादव को हटके। आप देखिए कि किस तरह से सीधी में हमने देखा है, बिंद में हमने देखा है कि अजय सिंह से हटकर
तवज्जो दी गई है उनके विरोधियों को, तो आप सोच लीजिए राकेश सिंह को भिंड से ले जाके वहां रीवा का प्रभारी बनाया, बहरहाल बाद में हटा दिया गया, लेकिन जिस तरह से इनका इनको उतना समर्थन नहीं मिलेगा, ये अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिला पाएंगे। पार्टी को भी अजय सिंह पर तवज्जो दी गई थी, तो आप देखिए इनके ये अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिला पाएंगे क्योंकि वैसी परिस्थिति नहीं बन सकती, इसलिए ये लोग दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, अभी से ऐसा प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इनके ही समर्थकों के टिकट कटेंगे। जिस तरह से अरुण यादव का टिकट कटा था, इनके समर्थकों को टिकट मिलेगा तो दिग्विजय सिंह कमलनाथ की मेहरबानी पर ही मिलेगा, आलाकमान नहीं दिलवा सकता। हाँ, सचिन यादव को आप टिकट दिलवा सकते हो, अजय सिंह खुद का टिकट ले सकते हैं, अरुण यादव चाहेंगे तो वो खुद का टिकट ले सकते हैं, लेकिन वो कहें कि सचिन बिरला को भी मिल जाएगा, बुरहानपुर से जिससे अपने समर्थक को चाहेंगे उसको टिकट मिल जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस बार होगा, क्योंकि वो परिस्थितियाँ जो पिछली परिस्थितियां थी वैसी निर्मित अब कांग्रेस नहीं करना चाहेगी। तो इन्हीं के समर्थकों के सर्वे के आधार पर, आलाकमान के सर्वे के आधार पर और इनके खुद के सर्वे के आधार पर टिकट कटेंगे, या इन लोगों ने जरूर अपने, चाहे वो दिग्विजय सिंह को क्षेत्र दे दिया 66 सीटों पे, यदि वो किसी का उम्मीदवार का या किसी दावेदार का नाम लेते हैं तो मुझे लगता है दोनों में रायशुमारी बन जाएगी, आलाकमान को उसके लिए राजी कर लिया जाएगा, दोनों में कोई टकराव नहीं होगा क्योंकि दोनों चाहते हैं सत्ता में आए और दोनों चाहते हैं कि कमलनाथ ही सीएम बनेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वहां टकराव की स्थिति है। तो आप देखिए कि जो कुछ भी होगा, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि सारी लड़ाई तो पहले यही कि सीएम कौन बनेगा और कैसे बनेगा, उसके लिए आपको नंबर चाहिएंगे और वो नंबर तब आएंगे जब आपके कैंडिडेट अच्छे होंगे, भले सर्वे कुछ कहे या आपके छत्रप कुछ कहे या आपके समर्थक कुछ कहे। बहरहाल, अब समय की कमी है इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद अशोक जी। 2018 में ये बीजेपी के साथ भी हुआ था और यही कांग्रेस के साथ भी हुआ था, और दोनों दल तब सोच रहे थे कि काश छत्रपों पर ना अड़ते और कुछ टिकट काट देते तो शायद ये स्थितियाँ ना बनती। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।